प्रदेश के दौरा में निकले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज गंडई नगर प्रवास। जी हां, मुख्यमंत्री पटेल समाज के सामाजिक कार्यक्रम में हुई शामिल। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा तैयारी के लिए जायजा। प्रदेश में आज ले 15 से 18 बच्चर के लयिका मन ला कोरोना के टीका लगना हुई शुरू। राजधानी के 57 केंद्र मन में टीकाकरण महाअभियान के हुई शुरुआत। स्कूल और कॉलेज में घलो बनाए गए टीकाकरण केंद्र। धर्म और धर्मांतरण ऊपर पीएल पुनिया के दो टूक। कहीं धर्म धर्मांतरण कांग्रेस पर नहीं है कोई मुद्दा। केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस दिखाए पर भाजपा कना नहीं है कुछ। एखर ले भाजपा एति ओति के मुद्दा उठाए पर करते कोशिश। नवा बछर में प्रदेशवासी मन ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एकौ सौगात। मुख्यमंत्री बघेल अपन निवास कार्यालय से डायरेक्टर भवन अनुज्ञा प्रणाली के करी शुभारंभ। अपन आसियाना बर प्रदेशवासी मन ला मात्र अब एक सेकेंड मा भवन के मिलही अनुज्ञा। लाखों नागरिक मन ला मिलही राहत। राजधानी रायपुर बनीस कोरोना के हॉटस्पॉट। प्रदेश में अभी कोरोना के है 1273 एक्टिव केस। इतवार के ही रायपुर के 90 लोगन में संक्रमण के हुई पुष्टि। बिलासपुर कोरबा रायगढ़ दुर्ग और जांजगीर चांपा में भी बढ़ी मरीज मन के संख्या। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हुई कोरोना संक्रमित। सर्दी खांसी के शिकायत के बाद सिंहदेव है सरगुजा के कार्यक्रम ला करीस रद्द। आरटीपीसीआर जाँच में कोरोना संक्रमण के हुई पुष्टि। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ला सुप्रीम कोर्ट ले लगी बड़का झटका। चीफ जस्टिस है गिरफ्तारी में रोक लगाए के करी याचिका खारिज। जीपी सिंह हाई कोर्ट में गिरफ्तारी में रोक और जांच में स्टे नहीं मिले में सुप्रीम कोर्ट में लगाए रही याचिका। मुख्यमंत्री बघेल के अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल के बैठक हुई आयोजित। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसे बॉडी के करे गई गठन। कोनो अन्य राज्य में नहीं है ऐसा संस्था। यूएन के सतत विकास के लक्ष्य ला पूरा करे के संग रीजेनरेटिव डेवलपमेंट ला शुरू करे के है उद्देश्य। पलारी कॉलेज तीर बलौदा बाजार रायपुर मुख्य मार्ग में बस और कैप्सूल के हुई जोरदार टक्कर। टक्कर में 11 लोगन समेत बस ड्राइवर और कंडक्टर ला आए चोट। जिला इलाज पर पलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराए गई भर्ती। जसपुर के बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम गम्भरिया में जमीन लले के हुई विवाद। एक युवक हर टंगिया ले हमला कर वृद्ध के करी हत्या। घटना स्थल पहुंची बगीचा पुलिस। हत्या करैया आरोपी के खिलाफ बगीचा पुलिस करी मामला दर्ज। कोरिया के पटना बांस पारा में बाइक और ट्रैक्टर के बीच हुई भिड़न। दो लोगन के मौका में ही हुई मौत। एक युवक गंभीर रूप ले घायल। घना कोहरा के कारण हुई हादसा। घायल ल जिला अस्पताल में कराए गई भर्ती। कबाड़ चोर मन के हौसला दिनों दिन हुआ जाते बुलंद। कटघोरा के छुरी माँ वंदना पावर प्लांट से लगे हाई टेंशन टावर लही काटिन कबाड़ चोर। बड़का घटना घटे से पहली बिजली विभाग हाई टेंशन सप्लाई करीस बंद। जेखर से 4 जिला के बिजली व्यवस्था हुई प्रभावित। घटना के जानकारी मिले माँ आनंद फानन माँ पहुंचीस विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी और कटघोरा पुलिस के टीम। गरियाबंद पुलिस ला एक बार फिर मिली बड़का सफलता। हीरा तस्कर ला करीस गिरफ्तार। आरोपी कना ले 71 नग हीरा करे गई बरामद। गरियाबंद के हीरा खदान देवभोग से चुराए हीरा ला धुरुआ गुड़ी मा खपाए के फिराक मा रही आरोपी। जब्त हीरा के कीमत बताए जावा थे 10 लाख रुपया ले भी ज्यादा। बिलासपुर के अशोक नगर से चांटीडीह तक सड़क के बदहाल समस्या ला दूर करे के मांग ले के भाजपा विधायक समेत स्थानीय नागरिक करीन चक्का जाम। पुलिस मौका मा लोगन ला कोरोना काल के हवाला और बढ़त संक्रमण के मद्देनजर घर जाए के देवा थे समझाइस। भाजपा विधायक और समर्थक मन राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ करी नाराबाजी। समय राहत विकास कार्य मा गति प्रारंभ नहीं होए मा उग्र आंदोलन के दिन अल्टीमेटम। जांजगीर के मड़वा पावर प्लांट मा तोड़ फोड़ और आगजनी के मामला मा अब दर्जन भर लोगन ला हिरासत में लीस पुलिस। आंदोलनकारी के हमला मा 25 पुलिस कर्मी हो रहीन घायल। उन्हें मामला में 400 लोगन के खिलाफ करे गई एफआईआर दर्ज। रायगढ़ और बिलासपुर से भी मंगवाए गई पुलिस फोर्स। बढ़त कोरोना संक्रमण ल देखत हुए मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मन के साथ आपात बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल करी ट्वीट। लिखी हम निश्चित रूप से तीसरा लहर कति बढ़त हन। जल्द पहचान और तत्काल इलाज शुरू कर स्थिति करे जा सकत है नियंत्रित। बड़े आयोजन और सभा ऊपर रोक लगाए के है आवश्यकता। कोविड-19 लले के होए आपातकाल बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से चर्चा में कहीं
अफसर मन ला जरूरी कदम उठाए के दिए गए निर्देश। स्कूल हायर एजुकेशन उद्योग व्यापारी और अन्य वर्ग ले बातचीत कर लेहे जाही बड़का फैसला। लॉकडाउन होही अंतिम विकल्प। सिमगा जनपद अध्यक्ष करत है 3 दिन ले धरना। धरना के समर्थन करे पहुंचीस नगर पंचायत पार्षद एल्डरमैन कांग्रेसी कार्यकर्ता जनपद सीओ के खिलाफ करत है अनिश्चितकालीन धरना। टैंकर घोटाला में जनपद सीओ पंकज देव ऊपर लगे है आरोप। कांग्रेसी नेता सामाजिक जन प्रतिनिधि मन के मिला थे बढ़ चढ़ के समर्थन। कोरोना के बढ़त केस ला देखत हुए पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय लिहिस बड़का फैसला। आदेशानुसार सेमेस्टर परीक्षा करे गई स्थगित। शराब दुकान हटाए के मांग ले के कवर्धा नंदी विहार के महिला मन संग भाजपा ला नेशनल हाईवे 30 में हंगामा करना पड़ी भारी। 10 बीजेपी नेता समेत 15 के खिलाफ करे गई FIR दर्ज। बता दन लगातार 3 दिन तक प्रदर्शन करत महिला मन नेशनल हाईवे में करे लगी भजन कीर्तन। आवागमन बाधित करे के आरोप में करे गई FIR दर्ज। राजनांदगांव के गंडई मां राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले जयंती और सम्मान समारोह मां भगवती शाकंभरी पूजा अर्चना कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल हुई शामिल। मुख्यमंत्री बघेल ये अवसर में छुई खदान और गंडई क्षेत्र ला 58 करोड़ ले ज्यादा के विकास कार्य के दी सौगात। साथ ही धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के घलो करीस विधिवत शुभारम्भ। सुगमा मुख्य मार्ग में CRPF 226 हेडक्वार्टर के आगू से 8 ट्रक में अज्ञात कारण से लगी आगी। घटना के सूचना मिलत ही आगे बुझाए में जुटी CRPF के जवान। एकर पहली ट्रक सवार मन कूद के बचाई अपन जान। काफी मशक्कत के बाद आगे में पाए गई काबू। कोरोना के तीसरा लहर ला देखत हुए राज्य शासन ह अब 15 ले 18 बछर तक के किशोर बालक बालिका मन ला टीका लगवाए के रखे है लक्ष्य। शासन के निर्देशानुसार कोरबा के स्कूल कॉलेज में घलो टीकाकरण अभियान के हुई शुरुआत। जिला में लगभग 75,000 छात्र छात्रा मन ला टीका लगवाए के रखे गए लक्ष्य। BMO हा बताइस के कोरोना महामारी ला देखत पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी मन के लगाए गए ड्यूटी। अभी बेरा है छोटकुन ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद फिर मिलबो। आप मन कहू जाऊ जन देखत रहा आप मन के अपन चैनल News 36 छत्तीसगढ़ के।